हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक टूल्स ऑफ मैथ्स का लेक्चर 1, जिसमें हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोगों का टॉपिक आज का है मॉड्यूलस, जो 11th और 12th के लगभग हर एक चैप्टर में यूज होता है। बहुत बच्चे मॉडुलस को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, जिसके वजह से क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं मॉड्यूलस के बारे में। मॉड्यूलस, ये एक नंबर लाइन है, सब कोई जानता होगा। 0 रेफरेंस पॉइंट, 1, 2, 3, -1, -2, इस तरह से इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। 2 का मॉड कितना होता है? 2। क्यों? क्योंकि 2 ओरिजिन से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, इसलिए 2 का मॉड 2 होता है। -2 का मॉड कितना होगा? 2, क्योंकि -2 भी ओरिजिन से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर है? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर -2 भी है, इसलिए -2 का भी मॉड कितना होता है? 2। और 0 का मॉड कितना? 0, क्योंकि 0 का ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 0 यूनिट्स। 0 यूनिट, इसलिए 0 का मॉड कितना होता है? 0। हम ये देख रहे हैं कि मॉड डिस्टेंस से रिलेटेड है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होता है या फिर 0 के बराबर होता है। यहां भी हम लोग का मॉड हमेशा या तो पॉजिटिव आया है या फिर 0 के बराबर आया है। पॉजिटिव कब आया है? जब मॉड के, ये मॉड का सिंबल है, मॉड के अंदर में जो भी है एक्सप्रेशन या नंबर्स, अगर वो नॉन जीरो हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, तो उस केस में मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मॉड का वैल्यू 0 के बराबर कब होता है? जब मॉड के अंदर वाला नंबर या एक्सप्रेशन जो भी रहेगा, जो भी टर्म होगा, वो अगर 0 के बराबर है। किसी का मॉड 0 तभी होगा जब वो खुद 0 होगा, अदरवाइज मॉड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं x का मॉड कितना होगा। एक्स का मॉड तो ये डिपेंड करेगा किस पर? एक्स पर, क्योंकि अगर मॉड लगा हुआ है तो पहले हमारा पहला एकमात्र काम बनता है मॉड को हटाना। कैसे हटाएंगे? तो मॉड के अंदर वाले को देखेंगे। अगर मॉड के अंदर में पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप हट जाएगा। मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो मॉड हटने के बाद उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है कितना से? माइनस से। तो -2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2। और मॉड के अंदर अगर 0 है तो फिर अपने आप मॉड हट जाता है। मतलब इस दोनों केस में अगर देखा जाए, मॉड के अंदर पॉजिटिव या 0 हो, पॉजिटिव या 0 हो, तो मॉड अपने आप हट जाता है। और अगर मॉड के अंदर निगेटिव हो तो मॉड हटने के बाद जो भी है मॉड के अंदर उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है कितना से? माइनस से। अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा कितना से? निगेटिव से। और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव या 0 है तो मॉड अपने आप क्या हो जाता है? हट जाता है। क्लियर है? तो यहां मॉड के अंदर में क्या है? वेरिएबल है एक्स, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो यहां कंडीशन लेना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव हो या फिर 0 हो तो मॉड अपने आप हट जाता है, और अगर मॉड के अंदर में निगेटिव हो तो मॉड हटने के बाद माइनस से उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर मॉड के अंदर में एक्स है,
जो कि वेरिएबल है, अननोन है, जिसके साइन के बारे में कुछ नहीं पता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एक केस लिए इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और दूसरा केस इफ एक्स लेस देन कितना जीरो। अगर एक्स पॉजिटिव या जीरो है, एक्स अगर जीरो या जीरो से बड़ा है, उस केस में मॉड अपने आप हटेगा तो यहां एक्स हो जाएगा। और अगर एक्स जीरो से छोटा है, इसका मतलब मॉड के अंदर वाला कैसा है, निगेटिव, तो उस सिचुएशन में मॉड हटने के बाद उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, माइनस से। तो मॉड जैसे ही हमें दिखेगा, हमारा बस एक काम होता है मॉड को हटाना। और कैसे हटाते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग मॉड के अंदर वाले को देखेंगे। मॉड के अंदर वाले को देखो, अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड अपने आप हट जाएगा, और अगर वो जीरो से छोटा है तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक उसी तरह से मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो यहां मॉड के अंदर में क्या है, एक्स माइनस टू, तो अंदर वाले को देखना था तो हम यहां पर एक्स माइनस टू है। अगर एक्स माइनस टू जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड हट गया, और अगर एक्स माइनस टू जीरो से छोटा है तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक उसी तरह से मॉड ऑफ साइन थीटा, तो यहां मॉड के अंदर में क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन देखेंगे। अगर साइन थीटा जीरो या जीरो से बड़ा है, उस केस में मॉड हट जाएगा तो साइन थीटा बच गया, और अगर साइन थीटा जीरो से छोटा है तो उस केस में मॉड के अंदर में निगेटिव हो गया, तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो सकता है, होगा। और हमारा ये कहना था, चूंकि टेंथ से अभी तुम लोग आए हो तो साइन थीटा का वैल्यू तुमने जीरो से लेके वन तक देखा होगा, वैसे साइन थीटा का वैल्यू माइनस वन से लेके कहां तक होता है, वन तक होता है, जो हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। बस बेसिकली अभी हम लोग बस एक बात ये सीखे कि मॉड जैसे ही हमको दिखेगा, हमारा काम होगा मॉड को हटाना, और मॉड को हटाने के लिए बस एक ही काम करना है, मॉड के अंदर वाले के साइन को देखना। अगर वो जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड अपने आप हट जाएगा, और अगर वो जीरो से छोटा है तो मॉड हटने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, किसी का भी मॉड हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा ही होगा। किसी का भी मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, मॉड कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। दूसरा, मॉड एक्स लेस देन अगर जीरो, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाइव, और हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, और क्या, नो सॉल्यूशन। तीसरा, मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, मॉड एक्स इक्वल टू ए का क्या मतलब, एक्स का मॉड कितना है यहां पर, ए है, इसका मतलब एक्स एक नंबर होगा जो ओरिजिन से कितने यूनिट के डिस्टेंस पर होगा, ए यूनिट के डिस्टेंस पर। तो एक नंबर लाइन अब हमने बनाया, ये जीरो रिफरेंस पॉइंट है, यहां जीरो से राइट साइड में ए डिस्टेंस पर ए होगा, जैसे वन यूनिट डिस्टेंस पर वन होता है, टू यूनिट पर टू होता है, वैसे ए यूनिट पर ए होगा, और इधर ए यूनिट पर माइनस ए होगा। तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए यूनिट्स, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए यूनिट्स। यहां कहता है एक्स का मॉड ए है, इसका मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका मॉड ए है, मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए यूनिट है। तो ओरिजिन से ए यूनिट वाले को लेना है, बताओ तुम ओरिजिन से ए यूनिट के डिस्टेंस पर कौन सा नंबर है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, माइनस ए है। इसका मतलब या तो एक्स इक्वल टू ए होगा या माइनस ए होगा, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। चौथा, मॉड एक्स लेस देन ए, ए से कम डिस्टेंस पर, तो ए से कम डिस्टेंस हमको लेना है आपकी बार। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए से कम डिस्टेंस वाले को देखना है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर इधर ए है, इधर माइनस ए है, तो
तो a को ले नहीं सकते हैं, माइनस a को भी ले नहीं सकते हैं, हमको लेना क्या है जो a से कम डिस्टेंस पर हो। यहां से जब चलना शुरू किए तो ये 1 किलोमीटर पर है, ये 1 किलोमीटर पर है, तो बीच में कहीं भी रहेंगे तो a से कम डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब हमको लेना है माइनस a और a के बीच वाले नंबर्स को। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां के बीच वाले को, माइनस a और a के बीच वाले को। फिफ्थ, मॉड x लेस देन इक्वल टू a। अब की बात क्या चाहिए, a या a से कम है मॉड, मतलब डिस्टेंस या तो a यूनिट होगा या a से कम होगा, या तो a यूनिट मतलब ये दोनों चलेगा, या फिर a से कम मतलब इसके बीच वाला को भी ले सकते हैं। तो माइनस a और a में माइनस a और a को भी लेना है तो वो भी इंक्लूड हो गया। सिक्स, मॉड x ग्रेटर देन a यानी a से ज्यादा डिस्टेंस पर। तो a से ज्यादा डिस्टेंस का क्या मतलब, ये जीरो, ये a, ये माइनस a, a से ज्यादा ये नहीं ले सकते, इसके बाद लेना है, ये नहीं ले सकते इसके बाद लेना है। इसका मतलब कहां से कहां तक लेना है, माइनस इंफिनिटी और माइनस a के बीच में, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, या और यूनियन, ये यूनियन का साइन, यूनियन मतलब और, कहां से कहां तक, a से इंफिनिटी। सेवेंथ, सेवेंथ, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो a से ज्यादा डिस्टेंस पर चाहिए या a डिस्टेंस पर चाहिए, a से ज्यादा वाला हम देख चुके हैं माइनस a से पहले और a के बाद, और a डिस्टेंस पर कौन कौन सा है, माइनस a है और प्लस a है, यानी अब की बार माइनस a और प्लस a को भी इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस a, माइनस a को इंक्लूड करना है यूनियन a से इंफिनिटी, क्योंकि a को भी इंक्लूड करना था, और माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज का साइन नहीं लगता, हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरवल टॉपिक में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का मॉड और वाई का मॉड का जोर, अगर एक्स और वाई के जोर के मॉड के बराबर है। सम ऑफ मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ सम, इसका मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर x इंटू वाई निगेटिव होगा तो नहीं हो सकता, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी दो डिस्टेंस का जोर दोनों जोर के डिस्टेंस के बराबर है, इसका मतलब दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर दोनों निगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करते समय बहुत टाइम लगेगा, और इसी के सिमिलर में ये स्टेटमेंट है, जब इस स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y है, इसका मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, परंतु इसको डील करना इसके कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होगा, कम समय में हम इसको बना सकते हैं। तो जब भी ये तब काम होगा जब दो या दो से अधिक मॉड हमको रहेगा, उस समय एक बार हम लोग चेक करेंगे कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है या नहीं है। है तो हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, परंतु इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। अब हम लोग मॉडुलस के कुछ बेसिक प्रॉब्लम पर चलते हैं, एक और लेक्चर हम लोग इस पर देखेंगे मॉडुलस से रिलेटेड, तो दो लेक्चर में मॉडुलस कंप्लीट करेंगे।
सॉल्व फर्स्ट mod x is equal to 2, second mod x is equal to minus 1, third mod x less than 2, fourth mod x less than minus 3, fifth mod x greater than 3, sixth mod x greater than minus 2, seventh mod of x minus 1 equal to 2, and eighth mod of x plus 1 less than 2. प्रॉब्लम जो आता है वो इस टाइप का आता नहीं है, परंतु ये यूज होगा, ये बनाने से हम लोगों को जो प्रॉपर्टी है वो याद रहेगा, इसका यूज हो सकता है। तो ये बेसिक लेवल का मॉडुलस का प्रॉब्लम है। अगले लेक्चर में हम लोग जो मेन हमारा एम होता है मॉडुलस को सीखने का,